हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत चटपटी और तीखी सी रेसिपी है। इसे आप पूरी, पराठे, किसी के साथ भी ऐसे भी खा सकते हैं, बिना सब्जी के भी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने जो कम तीखी वाली मिर्चें होती हैं उनको वॉश करके सुखा लिया था पेपर टॉवल से। पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें और इसको बाइट साइज पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो आप इस तरीके से कट कर लें मिर्चों को। और इसमें हम मसाले में ये लिया है मैंने, सेम क्वांटिटी में सब कुछ लिया है, जीरा, सौंफ, और ये राई ली है ब्लैक वाली जो होती है, मेथी दाना, और लिया है कलौंजी। तो इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है हमें, हल्की से, जब इसमें खुशबू आने लगे उतना ही रोस्ट करना है हमें, बहुत ज़्यादा इसे बर्न नहीं करना है। तो ध्यान से उतना, बहुत कम ही, 1 से 1.5 मिनट ही रोस्ट करना है इसको। तो रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तो मिक्सर ग्राइंडर में, जार में डाल के उसको हमें पीसना है। और मीनवाइल जब तक वो ठंडा होता है तो हम सरसों का तेल जो है गर्म कर लेते हैं एक पैन में। आधे कप से थोड़ा सा कम है ये सरसों का तेल, उसको स्मोक पॉइंट पे गर्म करके उसे ठंडा करना है। तो इतनी देर में ये मसाले भी ठंडे हो गए हैं और उसको पीस लिया है, दरदरा ही पीसना है, बहुत फाइन नहीं इसको ग्राइंड करना है। तो इस तरीके से करने के बाद इसमें एक नींबू मैंने साबुत जो लिया वो कट करके, इसका रस निचोड़ लें, बीज नहीं जानी चाहिए इसमें, ध्यान से। और उसके बाद फिर इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक भी थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डलता है अचार में, तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम विनेगर लिया है, वाइट विनेगर, प्लेन वाला जो होता है वो। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे कलर के लिए और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बहुत ही इंस्टेंट अचार है ये, झटपट बन जाता है, सब कुछ इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम एंड में इसमें सरसों का तेल ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद ही ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अचार बिल्कुल रेडी है, आप इसको तुरंत के तुरंत भी सर्व कर सकते हैं और अगले दिन तो बहुत ही मस्त लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल रेडी है आपका यमी सा ये अचार। इसको आप किसी भी सब्जी ना भी रहे ना तो भी आप किसी भी पूरी पराठे के साथ, ऐसे प्लेन पराठे के साथ बहुत ही यमी लगता है। तो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स अचार की रेसिपी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।